ये किसान रिपब्लिक डे परेड ये अभी निकलने वाला है और इसमें दिल्ली बॉर्डर में 10 लाख से ज्यादा किसान इसके अंदर शरीक होंगे, लाखों ट्रैक्टर और ट्रॉली शरीक होगी और मोदी सरकार को दिखाया जाएगा कि पूरे आज देश के किसानों की ताकत क्या है, ये पूरे रैली से दिखाया जाएगा। आज जो प्रजासत्ताक दिवस है उसमें प्रजा में कभी भी आम इंसान, आम किसान, आम महिला, आम मजदूर शामिल नहीं हुए। ब्राजील और यूके के बड़े बड़े राष्ट्र प्रमुखों को मोदी सरकार ने अतिथि बनाया। हम लोग मानते हैं कि हम अतिथि नहीं है, हम इस देश के धरती से जुड़े हुए मेहनत कशों को प्रजासत्ता के दिवस पर दिल्ली हो या गली हो अपने रास्ते पर रहने का अधिकार है कि हम प्रजा को मानते हैं, हम राजा को नहीं मानते। असली गणतंत्र दिवस आज है, ये जनता का तंत्र है। इसमें मोदी जी ने जो तानाशाही करने की कोशिश की उसका मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया, यही था लोकतंत्र। ये पूरे किसान विरोधी कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए, MSP का कानून बनाना चाहिए, बिजली बिल तुरंत वापस लेना चाहिए। ये जो हमारी 3 मांगे हैं इसके लिए आज ये बहुत बड़ा आंदोलन 26 जनवरी को आज हो रहा है। इस देश की सरकार जो किसानों को और आम उपभोक्ता को लूटने के जो काले कानून दिए हैं वो जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसान की घर वापसी नहीं होगी। 26-27 राज्यों के लोग हैं और उन राज्यों की अलग अलग अपने संस्कृति की झांकियां यहाँ हैं। सबसे आगे शहीद जो साथी हुए हैं उनकी शहीद वेदी होगी, उसके बाद एक एक राज्य की झांकी होगी, उसके पीछे राजस्थान के ट्रैक्टर होंगे, उसके पीछे हरियाणा के ट्रैक्टर होंगे और बाकी फिर साधन हर राज्य के अल्फाबेटिकली ऑर्डर से होंगे। सरकार नहीं चाहती कि वो अपने कानून से पीछे हटे, इसलिए लोगों की एकता तोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, अब तो उनकी बात सुनने का ही मतलब नहीं बचा, जनता सुन भी नहीं रही। मैं समझता हूँ हो सकता है सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर जितने ट्रैक्टर और साधन यहाँ लोग नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न राज्यों की जो चेतना पैदा फौज आई है वो उनको हौसला देगी जो इस बॉर्डर से 3 महीने पहले लोग तैयार होकर के लड़ने की मैदान में आ गए थे। सैकड़ों से अधिक बड़े वाले ट्रक खड़े किए गए थे जिससे किसान आगे ना बढ़ सके। दूसरा, उन्होंने किसानों को संवेदनाओं को रोकने के लिए उनको तिरंगे की फोटो लगाई थी जिससे किसान एक रुक जाए उसको देखते, और किसानों को किसान जो आए थे उन्होंने भी अपने तय मार्ग को शांतिपूर्ण मार्च के तहत उसको खत्म किया और वो यहाँ से धीरे धीरे अब देख सकते यू टर्न लेके वापिस जा रहे हैं। उनका भी था जो हमने जो संदेश देना चाहते थे संदेश दे दिया, अब हमको किसी स्टेशन में नहीं जाना है, गवर्नमेंट और पुलिस के साथ, पुलिस के लोग हमारे हैं। हालांकि जितने नेताओं से हमारी बात हुई सभी ने इस बात का खंडन किया, वो कह रहे हैं हम यहाँ से सीधे अपने मोर्चों की तरफ वापसी ले रहे हैं, हम यहाँ से किसी तरह से आगे बढ़ने की कोई हमारी तैयारी नहीं है और ना हम जाने की कोई कोशिश कर रहे हैं।